इतमादपुर के गांव रनपई निवासी विपिन यादव ने आज तड़के सुबह बरहन तिराहे से फिरोजाबाद के जैन मंदिर से वापस बरहन तिराहे पर आकर रेस को समाप्त किया, जहां पर उनका रास्ते में कई जगह पर सम्मान किया गया। 2 घंटे 42 मिनट में उन्होंने यह रेस पूरी की। बरहन तिराहे से जैन मंदिर फिरोजाबाद से वापसी बरहन तिराहे पर कुल दूरी 44 किलोमीटर तय की गई। 3 अक्टूबर को टाटा मुंबई मैराथन में विपिन यादव भाग लेंगे। ग्रामीणों में भी खुशी की लहर है क्योंकि गांव का युवक मुंबई मैराथन में भाग लेगा। विपिन यादव का ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर सम्मान किया। मैं नितिन यादव उर्फ विपिन यादव। भैया आज कहां से कहां तक रेस लगाई थी आपने? मैंने सुबह 6 बजे स्टार्ट की थी अहमदपुर से और 8:43 में मैंने फिनिशिंग कर दी। 2 घंटे 43 मिनट में 44 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक आपने ये रेस पूरी की? मैंने एतमादपुर से फिरोजाबाद जैन मंदिर है वहाँ तक पूरी करके फिर रिटर्न होके आया हूँ। जब रास्ते में कहाँ कहाँ पे आपका सम्मान किया गया? मेरा फिरोजाबाद में सम्मान किया गया था, स्वागत चौराहे पे पूरी सिंह और मिला स्वागत किया गया था मेरा और एतमादपुर स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर को आपका कहीं मैराथन है, वो कहाँ पर है? हाँ, मेरा टारगेट है कि मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन है 3 अक्टूबर को होने वाली रेस, उसी में मैं भाग लूँगा। उसकी तैयारी किस तरीके से चल रही है आपकी? मेरी वैसे तो तैयारी अच्छी चल रही है, पर जो ऊपर वाला करेगा उसके ऊपर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटू यादव है, मैं समाजवादी पार्टी से युवा नेता हूँ अभी। तो भैया जैसे गांव के व्यक्ति द्वारा रेस लगाई गई है, कैसा लगता है आपको? मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मैं यही सोच रहा हूँ और ऊपर वाले से दुआ भी यही करता हूँ कि ऐसे बच्चे कामयाबी की तरफ आप कोशिश करते रहें और अग्रसर हों आगे भविष्य की क्या काम कैसे कामने करते हैं? भविष्य की कामना यही है, मैं तो आगे भी खेलकूद कराते रहता हूं और काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं सामाजिक कार्यों में। जैसे उनका 3 अक्टूबर को उनका मुंबई में एक कार्यक्रम है, तो क्या लगता है आपको किस तरीके? मुझे लगता है कि 90% उनका होगा ही सिलेक्शन और बंसी वाले से और ठाकुर जी से यही कामना करता हूँ कि सिलेक्शन होना भी चाहिए और हो सकता है अगर मुझे समय मिला तो मैं साथ जाऊँगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।